इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे, आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। 50 साल से रजनीकांत फिल्म दुनिया के बेताब बादशाह है। सूरज के तरह उनका काम है, प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा, जिस दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं।